Hello students, mind solution और सोर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक में हमारा आज का ये वीडियो है वो है ब्लड रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आखिर हम मिल क्या करते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब वो रिलेशन जो ब्लड से जुड़ी है, यानी कि जो हमारे बर्थ से जुड़ी है। तो यहाँ पे जिन रिलेशन की हम बात करते हैं वो है रिलेशंस बाय बर्थ। पर इसके अलावा हम इसमें रिलेशंस बाय मैरिज को भी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जो रिलेशंस है, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे जो रिलेशंस है ये हमारे रिलेशंस बाय मैरिज है। यानी कि ये जैसे कि सास, ससुर, भाभी, ये जो सारे रिलेशंस हो गए ये हमसे रिलेटेड तभी हुए हैं जब शादी होने के बाद ही होती है। तो ये सारे जो रिलेशंस है वो है रिलेशंस बाय मैरिज। और रिलेशंस बाय बर्थ मतलब हमारे मम्मी पापा बहन चाचा, इन सब के साथ जो हमारा रिलेशंस है वो रिलेशंस हमें हमारी जन्म से ही है, तो इन्हें हम कहेंगे रिलेशंस बाय बर्थ। तो ब्लड रिलेशन में हम जिस टाइप ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स में हम जिस टाइप के रिलेशंस में के साथ डील करते हैं वो है या तो रिलेशंस बाय ब्लड और या फिर रिलेशंस बाय मैरिज। तो इन दोनों टाइप के रिलेशंस में हम डील करते हैं। अब ये जो ब्लड रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में एक रीजनिंग का एक पार्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उन एग्ज़ाम्स में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर हम इसे इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसे मतलब किस तरह से जल्दी से समझा जा सकता है, किस तरह से सबसे कम एरर में किया जा सकता है, अगर हम इन ट्रिक्स को सीख लें तो फिर ब्लड रिलेशंस के प्रॉब्लम काफ़ी ईजी भी होगा आपके लिए और जो है आप जल्दी भी कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें ध्यान रखनी होगी जब हमें इस तरह के ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो पहले हम बात करते हैं कुछ टिप्स की या फिर कुछ टिप्स की या तो कुछ बेनिफिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें की जो अगर आप एग्ज़ाम में करें तो आप इन प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि यूज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ हो ना उसका आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। सो पहला फ़ायदा है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ये तो कॉमन सी बात है ना कि अगर आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आ रही है तो आप उसको बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो अगर कोई भी ऐसा तरीका है जिससे हमें क्वेश्चन बेटर समझ में आ रहा है तो हमें वो तरीका अपनाना ही चाहिए। लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के इस्तेमाल करने का ये सिर्फ इकलौता फ़ायदा नहीं है, दूसरा फ़ायदा है कि इससे गलतियाँ कम होती है, यानी कि लेसर एरर। कई बार क्या होता है जब हम चीज़ें दिमाग में रखते हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि अच्छा उसकी बहन ऐसे ऐसे, तो गलतियाँ हो जाती है। पर अगर हम आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो क्या रहा है एक्चुअली में, तो गलतियाँ जो है वो कम होती है। तो इसलिए अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो गलतियाँ हैं वो कम होंगी, क्योंकि हमें आंखों के सामने जो है उसका थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका एक थोड़ा बहुत आइडिया जो है हमें वो आंखों के सामने दिखेगा। यानी कि अगर हमें वो दिख रहा है तो हम उसे बेटर तरीके से समझ भी पाएंगे और गलतियाँ करने की चांसेस भी हमारी कम हो जाएंगी। यानी कि जैसे कि आप अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो ब्लड रिलेशंस के ऊपर एक टॉपिक एक पैराग्राफ देते हैं और उसके नीचे चार पांच क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आप इसे सही से समझ रहे हैं तो और इसे सब
कम एरर्स के साथ कर रहे हैं तो आप एक नहीं आप पांच पांच मार्क्स को बहुत ही इजीली ऑब्टेन कर रहे हैं और कंपिटिटिव एग्जाम में पांच मार्क्स कोई छोटी चीज तो है नहीं। तो फिर इसके ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमने दो फायदा सीखा, एक है बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक है लेसर एरर। और दूसरा फायदा ये है जो शायद आपको लगता होगा कि नुकसान है बट एक्चुअली ये एक फायदा है, वो है कि फास्टर सॉल्विंग। यानी कि जब आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो भले आपको लगता होगा कि अगर पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा बट एक्चुअली में टाइम कम लगता है। क्योंकि अब मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन के ऊपर चार पाँच क्वेश्चन आती है, तो अगर आपने एक बार जो है पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो जो पांचों आंसर्स है ना आपके फटाफट फटाफट होंगे, क्योंकि आप बस देखेंगे उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को और आप आंसर करेंगे, आप उस देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फिर आंसर करेंगे। तो ना ये जो आंसर्स है यानी कि पहले तो वो रिप्रेजेंटेशन करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और जब आंसर्स जब करेंगे ना फटाफट फटाफट करेंगे। तो इससे अगर आप ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को करने से अच्छे से सीख जाए और आप जल्दी जल्दी करना सीख जाए उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो इसलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना जो है वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसके तीन फायदे हैं। एक तो आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा, दूसरा कि आपकी गलतियाँ कम होंगी, और तीसरा कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये तीनों फायदा ही हमें चाहिए जब भी हम कोई एग्जाम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है ब्लड रिलेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा जो टिप है जिसे आप यूज कर सकते हैं वो है कंपेयरिंग विथ योर ओन रिलेशंस। कंपेयरिंग विथ योर ओन रिलेशंस। अब सपोज हमें किसी ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही इज A's फादर्स ब्रदर्स नेफ्यूज मदर्स हस्बैंड, ये दे दिया गया है। तो अब ये इतना ज़्यादा है कि ही इज योर फादर्स ब्रदर्स, चलो ओनली नेफ्यूज ही इज हिज फादर्स ब्रदर्स ओनली नेफ्यूज मदर्स हस्बैंड, ऐसा दे दिया गया है सपोज। तो अब आप ये इसको सोचेंगे फादर ब्रदर ओनली नेफ्यूज, अगर आप एक काम करें अगर आप ही के जगह खुद को इमेजिन कर ले तो फिर क्या होगा, मैं सोचूंगी कि सपोज मैं सोचने के लिए सोचा कि चलो मैं ही हूँ, तो मेरे पापा हुए मेरे पापा, उसके भाई मेरे हो गए अंकल, उसका ओनली नेफ्यू, अब क्योंकि मैं ही हूँ तो मुझे यह लड़का माना जा रहा है, उसका ओनली नेफ्यू तो मैं ही होऊंगा, फिर मेरे मम्मी तो मेरी मम्मी हुई, मम्मी के हस्बैंड मेरे पापा हुए। तो देखा कितनी जल्दी हमने इसे अपने फैमिली रिलेशन के ऊपर लेकर भी सॉल्व कर दिया। तो जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप या फिर इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल टिप है वो है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, मैं फिर लिखना भूल गई एक सेकेंड, मैं सीरीज करके ऐड कर देती हूँ। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है कंपेयरिंग विथ योर ओन रिलेशंस। तो आप दोनों में से कोई भी टिप दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो इन टिप्स को यूज़ करने से आप जो ये ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स है इन्हें जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। पर इन्हें सॉल्व करने के वक्त ना कुछ कुछ गलतियाँ हैं जो हो जाती है और इस वजह से ना जो पूरे क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाती है। तो आपको ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो गलतियाँ भी जो है ना वो और कम हो जाएंगी। तो मतलब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो है मिस्टेक्स जो हम यूजुअली करते हैं। तो सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स, सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे जो जो सीखा उसके अब हम सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक सीख रहे हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक जो होता है वो है कि एज्यूमिंग
gender by name. ये जो है ना ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि बेसिकली जब आपका नेम दे दिया गया हो किसी क्वेश्चन में कि सपोज दिया हुआ है कि अर्जुन ही इज अर्जुन फादर, तो जैसे ही दिया हुआ है ना ही इज अर्जुन फादर, हम सोच लेते हैं कि अर्जुन जो है वो लड़का ही होगा. लेकिन देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखते, अगर आप इस अर्जुन की जगह ए कर दें ही इज फादर कर दें तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ए मेल है या फीमेल है. ए के जेंडर तो हम नहीं समझ पाएंगे बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे ए के जगह अर्जुन लिखा हुआ है तो हमने बस मान लिया कि वो तो मेल ही होगा. तो ये करना ना ये गलत है. ब्लड रिलेशंस प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि ब्लड रिलेशन एक प्रॉब्लम है उसमें चाहे नाम देखकर आप 100% श्योर भी क्यों ना हो जाए कि हाँ ये तो लड़के का ही नाम है, आपको नहीं सोचना है कि वो लड़का है. हमें अज्यूम नहीं करना है जेंडर बाय नेम. यानी कि नॉर्मली में तो शायद अर्जुन लड़कियों का नाम नहीं होगा, फिर हो भी सकता है आई एम नॉट सो श्योर, पर यहाँ पर यानी कि इस ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम में अर्जुन को अर्जुन नाम पढ़ के हम गेस नहीं करेंगे कि वो लड़का है या लड़की है. हम तब तक जेंडर को कंफर्म नहीं करेंगे या कि ये लड़का या लड़की है जब तक किसी दूसरे स्टेटमेंट या फिर किसी इसी स्टेटमेंट में किसी दूसरे पार्ट को पढ़कर हमें ना कंफर्मेशन मिले कि हाँ इसका जेंडर क्या है. सपोज जैसे कि लिखा हुआ है कि अर्जुन इज बीस सन, ऐसा कुछ लिखा है. तो अब जैसे ही लिखा है अर्जुन इज बीस सन, मतलब बेटा, अब बेटा तो फीमेल होगी नहीं तो फिर क्योंकि सन तो मेल ही होगा, तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि अर्जुन इज अ मेल. पर अगर ऐसा नहीं लिखा होता अर्जुन इज से क्यूज चाइल्ड लिखा होता तो हम भले ही नाम से हमें कितना भी लगे कि वो मेल है या फीमेल है हम तब तक जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे. तो ये है पहली मिस्टेक. सेकेंड मिस्टेक है कि वे assume things not mentioned. ये हमारी दूसरी मिस्टेक. वैसे assume gender by name इसकी एक सब पार्ट भी हो जाएगी बट इस वाले पॉइंट से जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि सपोज ऐसे दे दिया गया है कि सी इज डीज only son. Suppose ये दे दिया कि C is D's only son. अब ये देख कर अगर हम ये assume कर ले कि C D का इकलौता बच्चा है तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि C is only D is only son. यहाँ पे daughter के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है. मतलब हो ही सकता है कि ये जो D है D के और भी कोई भाई बहन D की और भी कोई बेटियाँ हो. तो अगर D की दो तीन और बेटियाँ होंगी तो सी जो है वो शायद इकलौता बेटा होगा डी का, पर वो इकलौता चाइल्ड तो है नहीं, उसके और भी दो तीन बहने हैं. तो जब हम एज्यूम कर लेते हैं चीजें जो लिखी ना हो, जैसे सपोज लिखा हुआ है सिमिलरली अगर लिखा हुआ है कि ई इज एफ्स ब्रदर, ये लिखा है ई इज एफ्स ब्रदर, तो ये तो पता चल गया कि ई जो है वो एक मेल है लेकिन एफ की जेंडर तो हमें बताया नहीं गया है. तो अब अगर हम ये अज्यूम कर ले कि एफ फीमेल है या एफ एक मेल है तो फिर वो अजम्पशन जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लिखा हुआ है कि एफ मेल है या फीमेल है. तो अगर हम इसे गलती से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं खुद से कि एफ को ई इज एफ ब्रदर तो एफ भी मेल है या फिर एफ भी फीमेल है, जो नहीं लिखा हुआ है पर हमने अज्यूम कर लिया खुद से. तो ऐसे अगर हम अज्यूम कर ले गलती से कुछ भी चीज़ जो नहीं लिखी हो तो फिर हमारी गलतियाँ हो सकती हैं. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही चीज़ों को अज्यूम करना है, हमें वही चीज़ों को सही मान के चलना है जो कि लिखा हुआ है. अगर कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं तब तो जितना भी श्योरिटी लग रही हो कि हाँ ये होगा ही तो तब भी हम उसे तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कोई और स्टेटमेंट उसे कन्फर्मेशन ना दे. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सी इज डीज ओनली सन, तो हो सकता है कि सी डी का ओनली बेटा है बट दैट डज नॉट मीन कि सी डी का ओनली चाइल्ड है, डी की और बेटियां भी हो सकती हैं. तो इसी तरह से जब हम एज्यूम करते हैं चीज़ें जो कि नहीं है तो ये चीज़ें भी जो है कभी कभार जो है उन क्वेश्चंस को गलत
क्वेश्चंस हमें मिस्टेक्स करवाती है हमारे क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि जो हमारा एक बेनिफिट है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो अब चलते हैं कि उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं और किस तरह से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट सीख रहे हैं वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मैं कलर चेंज कर रही हूँ। तो हम सीख रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ये प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये डबल साइडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं मैरिज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और या तो एक सिंगल लाइन और इस तरह से सोया हुआ, आप कह सकते इसको सोया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं इसको, जैसे कि इस तरह की जो ब्रैकेट है इस इन दोनों चीज़ों से, या फिर इससे, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिबलिंग्स को, किसे सिबलिंग्स को, और ऐसे वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल, माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल, मैरिज से रिप्रेजेंट कर मैरिज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डबल साइडेड एरो से, सिबलिंग्स को या तो एक सिंपल लाइन से या फिर इस तरह के सोए हुए ब्रैकेट से, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मैं समझा सकूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। एच इज जेज फादर, उसके बाद का स्टेटमेंट है सपोज पी इज जेज डॉटर, और नेक्स्ट लाइन में है क्यू इज पीज मदर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एच इज जेज फादर, तो हमने H को लिखा और नीचे जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, तो लिख दिया H इज J's फादर। अब P जो है वो J की डॉटर है, तो H इज J's फादर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही H इज J's फादर हो गया, तो हमें पता है कि H जो है वो मेल है, पर हमें J का जेंडर नहीं पता है। अब नेक्स्ट P इज J's डॉटर, तो मतलब J की एक बेटी है P, तो ये भी रिप्रेजेंट हो गया। और एक है Q is P's mother, तो Q is P's mother जैसे ही हो गया तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए P is J's daughter और Q is P's mother। अब अगर एक बच्चे की एक माँ और एक पापा होंगे, तो अगर P क्योंकि Q अगर P की मम्मी बन गई तो J P के पापा बनेंगे, तो फिर ऐसे होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे Q जो कि है फीमेल, तो ऑटोमेटिकली J हो जाएगा मेल। तो इस तरह से हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया क्या क्या, H इज J's फादर को रिप्रेजेंट किया, P इज J's डॉटर हो गई, Q इज P's मदर। इस तरह से अगर Q is P's mother तो J होंगे P के father, तो इस तरह से होंगे। तो देखा हमने किस तरह इन स्टेटमेंट को ऐसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया, और इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि H जो है वो P के दादाजी है या फिर P H की ग्रैंड डॉटर है, ये हम आराम से देखकर ही कह सकते हैं। इसके लिए हमें दोबारा डिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये साफ पता चल रहा है कि H जो है वो P के दादाजी है और P जो है वो H की नातिन है। तब हम क्या करेंगे, हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, जिस सम्स को सॉल्व करके आपकी जो ये ब्लड रिलेशन के
जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी क्लियर हो जाएगी, यानी कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करते कैसे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ लिखा है पहले स्टेटमेंट में लिखा है, ओके यहाँ पे है हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स दे दी गई है और इन 6 स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें इसके नीचे के आंसर्स को सॉल्व करना है। ओके तो सबसे पहले हम 6 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इन 6 स्टेटमेंट को पढ़ के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, फिर उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके तो सबसे पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि रुचि एंड सुरेश आर मैरिड कपल हैविंग 2 चिल्ड्रन मनीषा एंड दिव्या। तो रुचि और सुरेश जो है वो है मैरिड कपल और उनके 2 बच्चे हैं, एक है मनीषा और दूसरा है दिव्या। अब देखिए नाम सुनकर हमें जितना भी लग रहा हो कि सुरेश एक मेल है और बाकी 3 फीमेल है, हम ये तब तक नोट नहीं करेंगे जब तक हमारे हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट से उनके जेंडर पता नहीं चल रहा, क्योंकि सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से इन 4 में से किसी का भी जेंडर पता नहीं चल रहा है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, दिव्या इज मैरिड टू अमित हु इज सन ऑफ गौरी एंड तरुण। मैं काम करती हूँ उस नेक्स्ट सेंटेंस के लिए एक दूसरा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ और जब सारे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगी मैं उन सबको कंबाइन कर दूंगी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस जो बोल रहा है वो है कि दिव्या जो है वो है मैरिड टू अमित जो कि है सन ऑफ। अब जैसे ही सन ऑफ बोल दिया तो हम कह सकते हैं कि अमित इज अ मेल और एक मैरिज में एक मेल और एक फीमेल होता है, तो अगर अमित मेल है तो दिव्या हो गई फीमेल। तो यहाँ से हुई सन ऑफ गौरी एंड तरुण, गौरी एंड तरुण जिनका जेंडर हमें अभी तक नहीं पता। अब नेक्स्ट है निशी इज डॉटर ऑफ अमित। अब नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चलता है, सेकंड स्टेटमेंट से ये, थर्ड सेंटेंस में है कि निशी इज डॉटर ऑफ अमित, यानी कि अमित की एक डॉटर है निशी। अमित की एक डॉटर है निशी, डॉटर है तो साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आया नेगेटिव। अब नेक्स्ट है करुणा हु इज अमित्स सिस्टर इज मैरिड टू हरीश। सो अमित की सिस्टर, तो ये नेक्स्ट है अमित की सिस्टर करुणा, तो वो तो करुणा इज मैरिड टू हरीश, तो हरीश हो गया मेल। सो करुणा हुई इज अमित सिस्टर इज मैरिड टू हरीश। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, और दे हैव 2 सन्स विजय एंड परीक्षित। तो करुणा एंड हरीश के 2 बेटे हैं, तो यानी हमें दोनों का जेंडर पता है, पहला है विजय जो भी मेल है और परीक्षित जो भी मेल है, क्योंकि बोल दिया गया है कि करुणा एंड हरीश हैज 2 सन्स विजय एंड परीक्षित, तो सन्स बोला है तो विजय और परीक्षित दोनों मेल्स हैं। अब है गौरी इज ग्रैंड मदर ऑफ परीक्षित। अब जैसे ही बोल दिया है गौरी इज ग्रैंड मदर ऑफ परीक्षित, तो इससे पता चल गया कि गौरी जो है वो एक फीमेल है, तो तरुण हो गया मेल। और वैसे भी परीक्षित जो है वो करुणा का बेटा है और करुणा अमित की बहन है, तो इसका मतलब करुणा भी जो है वो गौरी की भी बेटी है। करुणा एक सेकेंड, करुणा जो है वो गौरी अमित की बहन है, मतलब करुणा गौरी और तरुण की बेटी है, और क्योंकि परीक्षित जो है वो करुणा का
बेटा है यानी कि गौरी उसकी ग्रैंड मदर हुई, तो इसका मतलब गौरी फीमेल हुई। और नेक्स्ट है मनीषा इज मैटरनल आंट ऑफ ऋषि, तो जैसे ही लिखा गया कि मनीषा इज मैटरनल आंट यानी कि मनीषा भी जो है वो भी फीमेल है, तो मनीषा से यहाँ से पता चला मनीषा इज मैटरनल आंट क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बोल दिया गया था कि अमित की एक बेटी है निशि, अगर अमित की बेटी है तो मतलब दिव्या की भी बेटी हुई निशि, और अगर निशि दिव्या की बेटी है मतलब मनीषा की बहन की बेटी है और मनीषा जो है वो निशि की आंट हुई। तो एक काम करते हैं इस पूरे स्टेटमेंट्स को जो है हम एक सिंगल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं, सिर्फ इसी वाले में मैं तोड़ तोड़ के करके एक साथ कर रही हूँ, वरना यूजुअली आप चाहें तो पहले ही बार में ऐसे एक साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्योंकि उससे टाइम भी बच जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोला था वो था कि रुचि और सुरेश जो है वो मैरिड कपल थे, रुचि और सुरेश जिनके दो बच्चे थे मनीषा और दिव्या। दिव्या है, दिव्या की शादी अमित से हुई है जो गौरी और तरुण का बेटा है, गौरी और तरुण का बेटा है और अमित की एक और बहन है, अमित की एक और बहन है करुणा। ओके, दिव्या और अमित की एक बेटी है निशि और करुणा की शादी हुई है हरीश से और उनके दो बेटे हैं, एक है परीक्षित, एक है परीक्षित, करुणा फीमेल है हरीश मेल है, और दूसरा है विजय। तो परीक्षित और विजय ये दोनों दो बेटे हैं और गौरी परीक्षित की दादी है तो तरुण दादाजी हुए। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, और मनीषा निशि की मैटरनल आंट है यानी मनीषा भी फीमेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पिक्टोरियली दी हुई है। तो अब हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के मदद से हम क्या करेंगे, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के मदद से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया है जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स इन सेकेंड जनरेशन। अब अगर हम यहाँ पे जनरेशन की बात करें तो रुचि सुरेश गौरी और तरुण ये चारों जो है ये फर्स्ट जनरेशन में है, मनीषा दिव्या अमित ये सब जो है ये फर्स्ट जनरेशन में है, मनीषा दिव्या अमित करुणा और हरीश ये पांचों जो है वो सेकंड जनरेशन के हैं, और निशि परीक्षित और विजय ये तीनों जो है ये थर्ड जनरेशन के। तो जो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन सेकेंड जनरेशन, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन में जितने सारे मेल्स हैं कितने सारे फीमेल्स हैं या कितने सारे नर और मादा हैं उनके बीच के डिफरेंस क्या है, और व्यू मेल्स और फीमेल्स हैं सेकेंड जनरेशन के, मतलब सेकेंड जनरेशन के नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स के बीच डिफरेंस क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मैरिड कपल है यानी कि दो मेल्स दो फीमेल्स तो है और साथ में एक मनीषा एक फीमेल है, यानी कि तीन फीमेल्स है और दो मेल्स है। यानी सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे तीन फीमेल्स है, पहली दूसरी और तीसरी तीन फीमेल्स है और दो मेल्स है अमित और हरीश, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो है वन, यानी करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तरुण इज दिव्याज मैटरनल अंकल। अब हम जाते हैं हमारे तिमिर चार्ट की तरफ, तरुण कहाँ है, तरुण यहाँ है, दिव्या यहाँ है, इस चार्ट से क्लियरली पता चल रहा है कि तरुण जो है वो दिव्या के हस्बैंड के फादर है यानी कि दिव्या के फादर इन लॉ है, यानी दिव्या के मैटरनल अंकल तो है नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय इज सन ऑफ मनीषा. मनीषा का इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साफ पता चल रहा है कि मनीषा का कोई बेटा भी नहीं है, कोई बेटी भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है. नेक्स्ट है, गौरी इज हरीश's मदर इन लॉ. अब इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साफ पता चल रहा है कि गौरी जो है वो हरीश की बीवी की माँ है, यानी कि गौरी हरीश की मदर इन लॉ है. यानी कि जो थर्ड सेंटेंस है, गौरी इज हरीश's मदर इन लॉ, वो सही है. तो अब क्योंकि हमें सही मिल गया है, तो हमें फोर्थ वाले में जाने की ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के लिए. बट फिर भी हम यहाँ पे, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो कर रही हूँ, तो मैं चली जाती हूँ फोर्थ स्टेटमेंट पे. फोर्थ स्टेटमेंट है कि निशी इज़ द कज़न ऑफ करुणा. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो करुणा जो है वो निशी की पापा की बहन है, यानी कि वो उसकी पैटर्नल आंट है. तो यानी निशी जो है वो करुणा की कज़न तो नहीं हो सकती, क्योंकि निशी करुणा की नीस है. यानी कि इससे जो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, पता चल गया. अब नेक्स्ट में जाते हैं, हाउ इज़ करुणा रिलेटेड टू दिव्या. करुणा जो है वो दिव्या के पति की बहन है, इससे क्लियर पता चल रहा है. दिव्या का हस्बैंड है अमित, उसकी बहन है करुणा. अब हस्बैंड की बहन को हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, यानी करुणा इज दिव्या सिस्टर इन लॉ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन विजय एंड निशी. तो विजय और निशी के बीच क्या रिलेशन है. निशी जो है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि निशी विजय अमित की बेटी है, और विजय जो है वो करुणा का बेटा है, और अमित और करुणा भाई बहन है. मतलब कि निशी और विजय जो है ये दोनों कजन्स हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. और परीक्षित इज अ मेंबर ऑफ बिग जनरेशन. ये तो मैंने पहले भी कहा था कि निशी, परीक्षित और विजय ये तीनों थर्ड जनरेशन के हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो इस तरह से देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो गई, क्योंकि हमें दिख रहा था कि क्या हो रहा है. इस वजह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, इससे हमारी क्वेश्चंस जल्दी होती है. यहाँ मैंने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मैंने पहले अलग अलग स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया और फिर उसको कम्बाइन किया है. थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली कम्बाइंड वर्जन भी कर पाएंगे. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में, एक सेकेंड वापस चला गया. हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम एक सिंबल से एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कभी कभार सिंबल्स को किसी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. जैसे कि हमने सपोज रिप्रेजेंट करते हैं एंड को इस सिंबल से, या फिर देयरफॉर को इस सिंबल से. तो जब हम ये सिंबल देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, तो फिर हम इस सिंबल को नहीं पढ़ के हम एंड पढ़ते हैं, राइट. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स की जगह हम रिलेशनशिप्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि अगर कहीं पे लिखा हो पी प्लस क्यू, तो हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है P इज द सन ऑफ Q. तो मतलब प्लस साइन का मतलब यहाँ पे है सन ऑफ. सो अगर P प्लस Q है तो P इज सन ऑफ Q हो गया. मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ. सिमिलरली अगर माइनस है, मतलब P माइनस Q है, तो माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइनस वाइफ ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी अगर P माइनस क्यू लिखा हो तो लिखना है P इज, तो समझना है हमें P इज वाइफ ऑफ Q. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है ब्रदर ऑफ, तो P इंटू क्यू लिखा हुआ हो तो अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. P इंटू क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q. सो P ब्रदर ऑफ Q, और P डिवाइडेड बाई Q. P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q. P इज मदर E है मदर ऑफ Q, और लास्ट में P इज इक्वल्स टू Q
means P is sister of Q. P is sister of Q. तो यहाँ पे भी plus लिखा होगा, वहाँ पे हमें मानना है कि son of लिखा है. Minus लिखा होगा तो हमें सोचना है कि वहाँ पे wife of लिखा है. Into का मतलब brother of, divide का मतलब mother of और is equals to का मतलब sister. अब हम देख सकते हैं कि my next questions में यहाँ पे जो है एक expressions लिखा हुआ है, जैसे कि x plus y plus z. अब दो जो यही लिखा हुआ है, हमें इस plus के जगह पे plus के साथ जो लिख son of, यानी कि हमें प्लस की जगह पढ़ना है सन ऑफ. तो जो हम जो ये एक्चुअली में मीन करेगा वो है एक्स इज सन ऑफ वाई इज सन ऑफ जेड. सो एक्स है वाई का बेटा जो कि है जेड का बेटा, यानी कि जेड का बेटा है वाई और वाई का बेटा है जेड. तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस है कि चार स्टेटमेंट्स दी हुई है. पहला है Z is father of Y. अब देखिए Y is son of Z तो बोला है, पर हमें ये नहीं पता कि Z का जेंडर क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया है कि X is son of Y. तो ये पता चल गया कि X जो है वो है मेल. Y is son of Z तो इससे पता चल गया कि Y भी है एक मेल. लेकिन Z क्या है ये तो नहीं पता. Z मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो हमें Z का जेंडर नहीं पता. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि Z इज फादर ऑफ Y, क्योंकि हमें Z का जेंडर पता नहीं है. Z Y की मम्मी भी हो सकती है, क्योंकि अगर Z Y की मम्मी होगी तो भी Y तो Z का सन ही होगा ना. तो Z का क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है Z इज फादर ऑफ Y, ये हम जो है पूरे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है जेड इज सन ऑफ वाई. अब ऑब्वियसली अब वाई इज सन ऑफ जेड है तो जेड इज सन ऑफ वाई तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. नेक्स्ट है जेड इज अंकल ऑफ वाई, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि Y जो है वो Z का बेटा है तो Z Y का अंकल तो हो नहीं सकता. और Z is brother of Y, ये स्टेटमेंट भी गलत है. अब क्योंकि बाकी के तीनों गलत है, इस वजह से हम इसे करेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट था Z is father of Y, ये मे और मे नॉट था, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. पर क्योंकि यहाँ पे नैन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है और बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल ही गलत है, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं. देखिए हमें इस स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है कि जेड मेल है या फीमेल है, पर क्योंकि बाकी के जो तीनों सेंटेंसेस है वो गलत है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी इज गिवन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. अब प्लस का तो सन ऑफ है, मतलब यानी कि A is son of B, और माइनस से हम माइनस रिप्रेजेंट करता है वाइफ ऑफ, तो इज वाइफ ऑफ C. तो अगर हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो B is वाइफ ऑफ C, यानी कि B और C हो गए मैरिड कपल, जिसमें B है फीमेल और C है मेल. और A is son of B, यानी कि A जो है वो B और C का बेटा है. तो ये हो गया. अब which of the statement is, अब हम चार स्टेटमेंट को देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें से कौन सा राइट. पहला है C is father of A, यही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसे आप देख रहे हैं कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये क्लियर है कि C is father of A, तो यही स्टेटमेंट हमारी सही है. तो हमें बाकी तीनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है A into B divided by C. अब into का मतलब है ब्रदर ऑफ, मतलब A is ब्रदर ऑफ, मैं B R O से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ब्रदर ऑफ B, और divide का मतलब मदर, सो हु इज मदर ऑफ Q. तो A is brother of B who is mother of Q. तो इसका अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें
तो होगा ए इज ब्रदर, मतलब कि ए मेल है, ऑफ बी इज मदर यानी कि ये फीमेल है, ऑफ सी है, क्यों नहीं सी है, सी। तो ए जो है बी का भाई है और बी सी की मम्मी है, तो ये दिया हुआ है। तो अब हमारे पास चार स्टेटमेंट्स है, पहला है ए इज ब्रदर ऑफ सी, दूसरा है ए इज फादर ऑफ सी, तीसरा है ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी और चौथा है ए इज नेफ्यू ऑफ सी। अब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख के तो साफ पता चल रहा है कि ए जो है वो सी के मम्मी का भाई है, यानी कि उनका सी का मैटरनल अंकल है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी। तो देखा इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमने आसानी से पता कर लिया कि ए जो है वो सी का मैटरनल अंकल है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन जो है हमें सिंबल्स दे दी गई है और एक एक सिंबल जो है वो एक एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रही है। जैसे कि प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है फादर ऑफ, माइनस मदर ऑफ, इनटू कर रहा है ब्रदर ऑफ और डिवाइड कर रही है सिस्टर ऑफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एच इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यानी कि एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी है, ये इनमें से किसमें से पता चल रहा है। तो चलिए इसमें हम डी से शुरुआत करते हैं। डी में है एच माइनस जे। अब एच माइनस जे का मतलब माइनस जो है वो मदर ऑफ करता है, यानी कि एच मदर ऑफ जे। अब जैसे ही एच मदर ऑफ हो जा रही है मतलब एच का जेंडर जो है वो फीमेल हो जा रहा है, पर एच को हमें पैटर्नल ग्रैंडफादर रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, सी में चलते हैं। अब सी में है एच प्लस जे, प्लस का मतलब फादर ऑफ, तो यहाँ पे एच इज फादर, मैं एफ से सिर्फ एफ लिख रही हूँ, फादर ऑफ जे, और इनटू का मतलब ब्रदर ऑफ क्यू, तो ब्रदर ऑफ क्यू, ब्रदर ऑफ टी। तो मतलब जे जो है वो टी का भाई है और एच जो है वो जे का पापा है, तो इसका मतलब वो टी का भी पापा ही हुआ। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है उससे एच जो है वो टी का फादर रिप्रेजेंट हो रहा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो ये वाला सेंटेंस भी गलत है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। अब इसमें है टी इंटू के, मतलब टी इज ब्रदर ऑफ के, हु इज फादर ऑफ एच, हु इज टी जो है, टी यहाँ पे हो रहा है ब्रदर ऑफ के, टी हो रहा है ब्रदर ऑफ के हु इज फादर ऑफ एच। तो यहाँ पे टी एच का अंकल हो गया है, मतलब एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है एच इज एच प्लस जे, यानी कि एच इज फादर ऑफ जे हु इज फादर ऑफ टी, यानी कि एच जो है वो टी के पापा है, मतलब एच टी के ग्रैंडफादर है, यही हमें शो करना था, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मैटरनल अंकल ऑफ टी। अब पहले वाले ऑप्शन में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम डिवाइडेड बाई के है और डिवाइड का मतलब है सिस्टर ऑफ। अब अगर एम इज सिस्टर ऑफ हो जा रही है मतलब एम हो गई फीमेल, तो एम मैटरनल अंकल तो हो नहीं सकते, तो यानी पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट है एम इंटू के, इंटू का मतलब ब्रदर, तो एम इज ब्रदर ऑफ के और के इज मदर ऑफ क्यू, सो के इज, तो एम हो गया ब्रदर ऑफ के और के हो गई मदर ऑफ व्हाट, के हो गई मदर ऑफ टी। तो इसका मतलब एम जो है वो के टी की मम्मी का भाई है, यानी कि मैटरनल अंकल हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर बी में ही करेक्ट आंसर मिल गया है, तो हमें सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर भी जो है वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ सिंबल्स है और उनके मतलब दिए हुए हैं। तो अब जैसे कि प्लस का मतलब फादर ऑफ, माइनस का मतलब वाइफ ऑफ, इनटू का मतलब ब्रदर ऑफ और डिवाइड का मतलब डॉटर ऑफ। अब यहाँ पर जो है हमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और हमें करना है कि स्टेटमेंट के जरिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो सबसे पहले है पी इज डिवाइडेड बाई आर, डिवाइड का मतलब है डॉटर ऑफ, तो आर की बेटी हो गई पी। अब आर प्लस एस, प्लस का मतलब है फादर ऑफ, तो आर, अब देखिए आर प्लस एस है और प्लस का मतलब है फादर ऑफ, तो यानी आर जो है वो एस का फादर है, तो इससे एस जो है वो मेल हो गया। अब एस अगेन प्लस क्यू है, तो यानी एस है फादर ऑफ क्यू, यानी कि आर के एक बेटी है पी, एक बेटा है एस और एस का एक बच्चा है क्यू जिसका जेंडर हम नहीं पता और आर इज मेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ये तो सेंटेंस सही नहीं है। इस क्वेश्चन से क्लियरली पता चल रहा है कि पी जो है वो क्यू की आंट है, क्यू इज आंट ऑफ पी नहीं, पी इज आंट ऑफ क्यू होगा, पी इज आंट ऑफ क्यू है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की तरफ। अब नेक्स्ट वाले में है इफ गिवन पी माइनस आर प्लस क्यू। अब माइनस का मतलब होता है वाइफ ऑफ, तो पी और आर जो है वो हस्बैंड वाइफ है, जिसमें से पी इज वाइफ ऑफ, मतलब पी है फीमेल, आर है मेल, और प्लस क्यू तो मतलब कि आर इज फादर ऑफ क्यू। यहाँ तक है, क्यू का जेंडर हमें यहाँ भी नहीं पता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी इज मदर ऑफ क्यू, ये तो पहला ही सेंटेंस जो है हमारा सही हो गया, क्योंकि पी इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साफ पता चल रहा है कि पी जो है वो क्यू की मम्मी है, तो पी इज मदर ऑफ क्यू करेक्ट आंसर है। तो हमें नेक्स्ट के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि इफ इट इज गिवन दैट पी इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू, सो गिवन क्या है, पी इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि पी जो है वो आर का भाई है, यानी कि पी मेल है, और डिवाइड का मतलब है डॉटर ऑफ, यानी कि आर हो गई फीमेल और दोनों है क्यू के बच्चे, यानी कि क्यू का एक बेटा है पी और एक बेटी है आर, बिकॉज पी इंटू आर का मतलब पी इज ब्रदर ऑफ आर, आर डिवाइड बाई क्यू का मतलब आर इज डॉटर ऑफ क्यू। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू, पी इज अंकल ऑफ क्यू, ये तो गलत है क्योंकि पी जो है वो क्यू का बेटा है, तो जो कि है हमारा, अगर हम फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे तो वो यही लिखा है पी सन ऑफ क्यू, जो कि है करेक्ट आंसर। हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साफ देख सकते हैं कि पी जो है वो क्यू का बेटा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जैसे कि हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया तो आंसर्स हम कितने जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से सिंबल्स की मदद से आती है, कभी कभार पजल आती है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर वन था वो एक पजल दिया हुआ था और उस पजल से हमें सॉल्व करना था, या फिर ऐसे हमें एक्सप्रेशंस दी होंगी, इन एक्सप्रेशन से हमें सॉल्व करना होगा। कभी कभार जो है ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किसी दूसरे क्वेश्चंस के साथ मैचअप कर जाते हैं, बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के साथ या फिर किसी दूसरे क्वेश्चंस के साथ क्या मैचअप हो जाती है, तो उन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हमें ब्लड रिलेशन को भी ध्यान रखना होता है और सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम या फिर जो दूसरा प्रॉब्लम के साथ ये कोलैबोरेटेड है उसे भी ध्यान रखना होता है। लेकिन जो भी अगर ब्लड रिलेशन का हो तो हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना ही
ईजियर होगा, क्योंकि अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे लिए जो है अंडरस्टैंडिंग करना कि रिलेशनशिप्स कैसे जा रही है वो अंडरस्टैंडिंग करना जो है वो ईजियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी, तो ए बी सी डी ई एफ और जी ये जो है सात मेंबर्स हैं एक फैमिली के, यानी कि ये सात जो है एक परिवार के सात मेंबर्स हैं। नाउ देयर आर टू मैरिड कपल्स, तो यहाँ पर जो है दो मैरिड कपल्स है दो मैरिड कपल है और क्या है, देयर आर टू मैरिड कपल्स अमंग देम बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट जनरेशन। अच्छा, ये जो दो मैरिड कपल है ये दोनों टू डिफरेंट जनरेशन को बिलोंग करता है, यानी कि ये दोनों मैरिड कपल एक जनरेशन के नहीं है। हमारे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ये सात फैमिली मेंबर्स है, यानी कि ये सात मेंबर्स है एक ही फैमिली की। इसमें इन सातों में जो है दो मैरिड कपल्स है, और ये दो जो मैरिड कपल्स है ये दोनों मैरिड कपल्स दो अलग अलग जनरेशन के हैं, मतलब दोनों एक जनरेशन की नहीं है। अब ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली हैज़ डिफरेंट चॉइस ऑफ कोर्स, अब ये जो हर एक सदस्य है मतलब ए से लेकर जी तक के जो सातों मेंबर्स है इन सब का जो चॉइस ऑफ फूड है वो अलग अलग है। क्या क्या है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती एंड मराठी, ये जो है ये सात चॉइसेस हैं। तो अब एक काम करते हैं, ये चारों इनके जो है शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे जो चॉइसेस है वो है सी एच, कॉन्टिनेंटल, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती और मराठी। मैंने ऐसे यहाँ पे क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली ये सात जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स है सात चॉइसेस ऑफ फूड के। अब जो है सबसे पहले लिखा है द ग्रैंडफादर इन द फैमिली लाइक्स गुजराती फूड, तो मतलब अब क्योंकि देखिए बिलोंग ग्रैंडफादर है मतलब तीन जेनरेशन की बात तो कर रहे हैं, और जिसमें से मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मतलब एक एक मैरिड कपल है, दूसरा मैरिड कपल इनमें से किसी एक के, इनमें से एक या दो बच्चों की एक और मैरिड कपल होगी और उसका एक या दो बच्चे होंगे, क्योंकि तभी यहाँ पे जो एक ग्रैंडफादर होगा। तो सपोज ये मैंने ग्रैंडफादर इसी मान लिया, ये मान लिया ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रैंडफादर इन द फैमिली लाइक्स गुजराती फूड, तो यहाँ पे जो है मैंने जी यू लिख दिया और गुजराती को मैंने कट कर दिया, मतलब गुजराती का जो फूड है वो हमने असाइन कर दिया है हमारे इस फैमिली टीम, तो इसीलिए मैंने ये सारे साइंस लिखे थे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन से फूड असाइन हो चुके हैं, मतलब कौन से बाकी है, तो फिर इससे जो है आसानी होगी हमें असाइन करने में। तो ग्रैंडफादर इन द फैमिली लाइक्स गुजराती फूड तो हो गया। अब नेक्स्ट है नन ऑफ द लेडीज लाइक्स कॉन्टिनेंटल और राजस्थानी फूड, तो हमें काम करते हैं हम ये पॉइंट नोट कर देते हैं, वो है यहाँ पे ये साइन जो है ये लेडीज का है, उसके बाद हम नन ऑफ द लेडीज लाइक कॉन्टिनेंटल और राजस्थानी फूड, इन दोनों में जो है हम क्रॉस साइन कर देते हैं, मतलब कि जो फीमेल्स हैं उनको राजस्थानी या कॉन्टिनेंटल फूड पसंद नहीं है, तो इस सिंबल से हमने वो मेंशन रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट है डी इज द सन ऑफ ए एंड ए लाइक्स चाइनीज फूड, अब डी इज सन ऑफ ए यानी कि अब इसे हम इस चार्ट में तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ए यही हो। ओके, ए लाइक्स चाइनीज फूड बोल दिया है, तो यानी ए यहाँ पर तो नहीं बैठेगा क्योंकि ए गुजराती फूड है। अब ए यहाँ बैठ सकता है या फिर ए इन दोनों जगहों में से एक में बैठ सकता है, तो हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन से जगह पे बैठेगा, तो हम इसे सेपरेटली जो है ड्रॉ करके रख देते हैं फिलहाल कि डी जो है वो ए का सन है और ए जो है वो लाइक करता है चाइनीज फूड।
ठीक है. अब नेक्स्ट है जी इज सीज डॉटर इन लॉ. अच्छा जी इज सीज डॉटर इन लॉ जैसे ही लिखा मतलब जी हमारी हो गई फीमेल, यानी कि जी कॉन्टिनेंटल या राजस्थानी लाइक नहीं करेगी, वो सी के डॉटर इन लॉ है. अब देखिए डॉटर इन लॉ का मतलब कि उसका उसका बेटे की बहू, यही होगा ना डॉटर इन लॉ का मतलब. डॉटर इन लॉ है तो मतलब उसका बेटे की बहू, बेटे की वाइफ, सॉरी नॉट बहू, वाइफ. तो डॉटर इन लॉ का मतलब है बेटे की वाइफ. तो मतलब जी इज सीज डॉटर इन लॉ मतलब सी के बेटे की शादी हो चुकी है. अब देखिए अगर जी यहाँ होता, अगर सी यहाँ पर होता, सी सपोज यहाँ पर होता तो मतलब उसके नेक्स्ट जनरेशन की भी शादी हो जाती. पर यहाँ पर ये दो जनरेशन बोला है कि सिर्फ दो ही मैरिड कपल्स हैं जो दो जनरेशन में है, तो इसका मतलब जो है सी ऊपर ही होगा. अब सी लाइक साउथ इंडियन मील्स, यानी सी को गुजराती खाना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं हो सकता, मतलब सी यहाँ होगा. तो जैसे ही सी यहाँ हो गया, अब डॉटर इन लॉ का मतलब इनका बेटे की शादी हुई है, यानी यहाँ पे आएगा मेल और यहाँ पे आ गई हमारी फीमेल जो कि है जी. तो मैं इसको दोबारा समझाती हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखा. यहाँ पे दिया हुआ है कि जी इज सीज डॉटर इन लॉ मतलब जी जो है वो सी के बेटे की बीवी है. अब अगर सी नेक्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में होती, यानी यहाँ पर कहीं होती सी, अगर सी हमारी यहाँ पर कहीं होती तो मतलब सी अगले जनरेशन में भी एक शादी होती. लेकिन हमें बोल दिया गया है कि सिर्फ दो मैरिजेस है, यानी कि सी को जो है ये ऊपर वाले जनरेशन में ही होना होगा. और अब क्योंकि डॉटर इन लॉ है तो मतलब सी के बेटे की शादी हुई है, तो फिर यहाँ हमने बेटा दे दिया और यहाँ पे इसकी शादी हो गई जी से. तो जी इज सीज डॉटर इन लॉ हो गया. और सी जो है वो साउथ इंडियन फूड लाइक करती है, तो यहाँ पे एस आई लिख दिया और एस आई को कट कर दिया. अब देखिए अभी भी हमें पहले ही बताया गया था कि ए लाइक्स चाइनीज फूड एंड डी इज सन ऑफ ए. ए यहाँ पर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे गुजराती फूड बोल दिया गया है, मतलब यहीं पे होगा ए और यहाँ पे आ जाएगा डी जो कि है सन. तो ए भी हो गया मेल, यहाँ से ए भी मेल पता चल गया, उसे चाइनीज फूड पसंद है तो चाइनीज को भी हमने कैंसिल कर दिया. तो यहाँ तक पता चला. अब नेक्स्ट जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो है बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ. अब देखिए इस जो सेवन मेंबर्स है, तो यानी कि सेवन मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7. अब ग्रैंडफादर होने, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ. अब इन दोनों जगह पे, यानी कि हमारे इस दोनों जगह पर तो वो है नहीं. अब ग्रैंडफादर मतलब होने का क्या है, मतलब उसका एक बेटा है जिसका एक बेटा है, मतलब वो एक मैरिड कपल्स में से कोई एक होगा. तो अगर या तो बी जो है वो यहाँ पर कहीं होगा, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक का फादर होगा, अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है बी, यानी बी आइदर यहाँ पर होगा या फिर बी इन दोनों जो ये सी या जो यहाँ पे जो होगा उनमें से किसी एक का फादर होगा, तब भी बी ग्रैंडफादर हो सकता है. पर उस सिचुएशन में एफ जो है वो यहाँ होगा और इस सिचुएशन में एफ जो है थर्ड जनरेशन में जाएगा. तो अभी मैं बी के बारे में कुछ नहीं लिख सकती, बस बी को लिख देती हूँ. बी इज ग्रैंडफादर को मैं जी एफ से रिप्रेजेंट करती हूँ, ग्रैंडफादर ऑफ एफ जिसे पंजाबी फूड पसंद है. अब सी इज मदर ऑफ ई एंड ई लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड. तो सी जो है वो है मदर ऑफ ई हो गई और ई लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड. अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ था कि जो कॉन्टिनेंटल फूड है वो कोई फीमेल्स लाइक नहीं कर रही है. देखिए यहाँ पर जो है, यानी कॉन्टिनेंटल फूड कोई फीमेल्स लाइक नहीं कर रही है,
अब अगर ई कॉन्टिनेंटल फूड लाइक कर रहा है तो मतलब ई एक मेल है, तो यहां से पता चल गया कि ई एक मेल है। अब जो हमें पता नहीं चला है वो है कि बी इज ग्रैंड एफ लाइक्स पंजाबी फूड। अब क्योंकि एफ के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है तो फिर हम अभी फिलहाल जो है वो बी कहाँ पे होगा और एफ कहाँ पे होगा नहीं कह सकते। या तो अगर बी यहाँ पर हुआ, अगर बी यहाँ पर हुआ तो इन दोनों, तो फिर एफ जो है वो या तो ई की एफ लाइक्स पंजाबी फूड, ओके जस्ट वेट, तो एफ जो है वो पंजाबी फूड लाइक कर रही है, तो एफ जो है यहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज जो हमारा एफ है वो यहाँ पर होगा और बी जो है वो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। यानी कि अगर बी यहाँ पर होता है तो एफ डी के जनरेशन, यानी कि या तो वो ई का चिल्ड्रन होगा या फिर वो ए और जी का चिल्ड्रन होगा। अदरवाइज अगर वो ए और ई का सिबलिंग हो रहा है तो फिर बी जो है वो इनका पेरेंट बन जाएगा। मगर अगर ऐसा होता है, अब देखिए हमारे पास जो है 7 मेंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 हो चुका है, यानी कि सिर्फ 2 प्लेसेस खाली है। अब अगर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच प्लेसेस भर चुके, यानी कि 2 प्लेसेस बाकी है। अब अगर बी यहाँ पे कहीं होगा मतलब सी या फिर इसके पेरेंट होगा तो हमारे पास 3 प्लेसेस हो जाएंगी, 1, 2, 3। पर क्योंकि सिर्फ 2 ही फैमिली मेंबर बाकी है मतलब बी यही होगा, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ जो कि एफ लाइक्स पंजाबी फूड। अब देखिए यहाँ पर जो है साउथ इंडियन हो चुका है, गुजराती हो चुका है, कॉन्टिनेंटल हो चुका है, तो क्या क्या बाकी है, राजस्थानी, पंजाबी और मराठी, जिसमें से राजस्थानी जो है वो किसी कोई फीमेल लाइक नहीं कर सकती, मतलब जी राजस्थानी लाइक नहीं कर सकती, और पंजाबी क्योंकि ऑलरेडी पंजाबी एफ लाइक कर रही है तो जी को पसंद है मराठी फूड और डी को पसंद है राजस्थानी फूड, क्योंकि पंजाबी फूड जो है वो ऑलरेडी एफ के लिए डिसाइड हो चुका है। अब देखिए इसमें बोल दिया गया था कि बस 2 मैरिड कपल है, देखिए बोल दिया गया था कि सिर्फ 2 मैरिड कपल है, मतलब ई जो है वो मैरिड नहीं है, तो अगर ई मैरिड नहीं है तो ई के बच्चे भी नहीं है, तो मतलब कि जो एफ है जिसे पंजाबी फूड पसंद है वो एफ यही होगा जिसे पंजाबी फूड पसंद है। पर यहाँ पर जो है हमें एफ का जेंडर क्या है वो नहीं पता, क्योंकि किसी भी जो सेंटेंस है या फिर किसी भी स्टेटमेंट में एफ का जेंडर नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा जो है सारे फूड अलॉटेड हो चुके हैं वो इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है विच पर्टिकुलर फूड इज लाइक्ड बाय डी। अब देखिए हम जैसे ही हमारे इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि डी लाइक्स राजस्थानी फूड, सीधा राजस्थानी में टिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फूड कॉम्बिनेशन, विच इज द फूड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैरिड वोमेन। अब देखिए 2 मैरिड वोमेन जो है वो है सी और जी, यानी कि जो फूड कॉम्बिनेशन होगा वो होगा साउथ इंडियन और मराठी। अब देखिए इसमें से साउथ इंडियन और मराठी कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, मराठी एंड साउथ इंडियन, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ रिलेटेड टू ई, एफ जो है वो ए ई की नीस या नेफ्यू दोनों में से कोई एक हो, एफ रिलेटेड टू ई, तो एफ जो है वो ई की नीस या नेफ्यू में से कोई एक होगी। अब क्योंकि जो है हमें एफ का जेंडर नहीं बोला गया तो हम नहीं बोल सकते कि एफ जो है वो ई की नीस है या नेफ्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें नहीं पता कि एफ जो है वो ई की नीस है या नेफ्यू है, और वैसे भी अगर हम बाकी के 3 ऑप्शंस देखते हैं सिस्टर, आंट और डॉटर,
तो वो इन तीनों ऑप्शंस भी नहीं है, तो ये दोनों ही केसेस में डेटा इनएडिक्वेट ही होगा। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ, मोनिका सेड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो मोनिका ने एक पर्सन, एक फोटोग्राफ है, सपोज यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, उसे देखकर मोनिका ने कहा कि जो पर्सन इस फोटोग्राफ में है वो है उसके सन ऑफ, वो है द सन ऑफ द फादर्स, सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी कि मेरे बहन के भाई के पापा का बेटा है। वो क्या है, सपोज ये मोनिका है तो मोनिका की बहन, सिस्टर, माई सिस्टर्स ब्रदर, उसका भाई। अब देखिए, हम मोनिका को देखकर ये नहीं कहेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, तो यानी उसका जो ब्रदर है वो आइदर मोनिका खुद होगा, अगर मोनिका एक मेल का नाम हुई, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि नेम देखकर हमें अजम्पशन नहीं करना है, और उसका कोई और ब्रदर होगा, तो दोनों में से कोई एक है, आइदर मोनिका एक मेल है और सिस्टर्स ब्रदर मोनिका को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अदरवाइज किसी और ब्रदर को, तो ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, माई सिस्टर्स ब्रदर हो गया उसका फादर, मतलब इन तीनों का ही फादर, मतलब इन तीनों या इन दोनों इनका फादर, फादर और उसका सन। अब उसका सन मतलब कि आइदर मोनिका का ब्रदर और मोनिका हरसेल्फ, अगर मोनिका मेल हुई तो, और दोनों ही केसेस में अगर हम देखें, या तो वो मोनिका हरसेल्फ है अगर मोनिका मेल है, मोनिका हिमसेल्फ है अगर मोनिका मेल है, तो या तो वो मोनिका खुद है अगर मोनिका मेल है, अदरवाइज मोनिका का भाई। तो दोनों ही केसेस में जो है ये इन तीनों ऑप्शन में से नहीं है, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस, क्योंकि अगर मोनिका मेल है तो इससे उसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मोनिका मेल है तब भी वो उसके भाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर अगर मोनिका फीमेल है तो उसके भाई को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ है कि आकाश's ग्रैंडमदर इज मैरिड टू निर्मल's ब्रदर। तो आकाश की दादी माँ जो है वो निर्मल के भाई के साथ शादी की है, तो मैं इस आकाश's ग्रैंडमदर को एक नाम दे देती हूँ, सपोज मैं इसको जी नाम दे देती हूँ, तो जी की शादी हुई है, अब क्योंकि ग्रैंड मदर है तो मतलब ये फीमेल है, तो उसकी शादी हुई है निर्मल's ब्रदर के साथ, तो मैरिड टू निर्मल's ब्रदर, तो ये है निर्मल's ब्रदर, उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये है निर्मल, ये भी मेल है, निर्मल का जेंडर हमें नहीं पता। अब साहिल's मदर इज द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ निर्मल's फादर इन लॉ। अब निर्मल's फादर इन लॉ का मतलब है निर्मल के वाइफ या हस्बैंड जो भी है उसका पापा, उसका पापा, मैं उसको FIL से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो निर्मल's फादर इन लॉ हो गया, और साहिल's मदर इज ग्रैंड डॉटर इन लॉ। साहिल कोई है, साहिल की मम्मी है ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मतलब निर्मल के, तो यहाँ पे देखिए, अब साहिल की मम्मी यानी कि साहिल को पकड़ लेते हैं, साहिल की मम्मी, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फीमेल है, साहिल की मम्मी जो है वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है निर्मल के फादर इन लॉ की, तो निर्मल का फादर इन लॉ ये हो गया, अब उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मतलब कि थर्ड जनरेशन, तो मतलब जो है निर्मल और उसके जो भी है वाइफ या हस्बैंड उसके बेटे की, सन की वाइफ है साहिल की मम्मी,
तो फिर इसका मतलब यहाँ से पता चल गया है कि साहिल जो है वो निर्मल का ग्रैंड चाइल्ड है। साहिल क्या है? वो निर्मल का ग्रैंड चाइल्ड है। तो साहिल जो है वो निर्मल का, साहिल इज निर्मल्स ग्रैंड चाइल्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आकाश इज ग्रैंड मदर है हमारी जी, यानी कि आकाश जो है वो जी का ग्रैंड चाइल्ड है। तब देखिए ये जी और निर्मल जो है ये दोनों सेम जनरेशन के थे, मतलब आकाश और साहिल जो दोनों जी और निर्मल के ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो वो दोनों भी सेम जनरेशन के होंगे। और अगर ये दोनों सेम जनरेशन के है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कजन होंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के कजन्स है। क्योंकि रिलेशन तो है, क्योंकि देखिए जो जी की शादी हुई है निर्मल के भाई के साथ, यानी कि दोनों रिलेटेड तो है। तो अब देखिए, और क्योंकि जी और निर्मल के दोनों सेम जनरेशन के है, और आकाश और साहिल ये दोनों उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी कि आकाश और साहिल ये दोनों भी सेम जनरेशन के हुए। और क्योंकि वो दोनों सेम जनरेशन के हैं, मतलब आकाश और साहिल जो है वो दोनों एक दूसरे के कजन्स हैं, तो आकाश इज कजन टू साहिल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सरोज इज मदर इन लॉ ऑफ वानी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ दीपक। तो सरोज जो है वो सास है वानी की, जो कि है सिस्टर इन लॉ ऑफ दीपक। तो सबसे पहले यहाँ पे सरोज लिखा, सरोज जो कि फीमेल है क्योंकि मदर इन लॉ है। तो मुझे नहीं पता कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है, फिर है भी कि नहीं। तो क्योंकि सरोज इज मदर इन लॉ, मतलब उसका जो है एक उसका सन है जिसकी वाइफ है वानी, क्योंकि वानी इज सिस्टर इन लॉ, तो वानी तो फीमेल ही है। तो वानी हो गई फीमेल, यहाँ से पता चल गया वानी इज सिस्टर इन लॉ से पता चल गया वानी इज फीमेल, यानी कि सरोज के बेटे के साथ वानी की शादी हुई है। एंड वानी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ दीपक। तो इसके दो हो सकते हैं, या तो जो दीपक है वो सरोज का बेटा है, अदरवाइज वानी के भाई की वाइफ है। अब देखिए इन दोनों में से हो सकता है। अब राजेश इज फादर ऑफ रमेश द ओनली ब्रदर ऑफ दीपक। तो रमेश, अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि राजेश जो है वो है फादर ऑफ रमेश द ओनली ब्रदर ऑफ दीपक, क्योंकि दीपक के ब्रदर की बात की है। तो इसका मतलब दीपक जो है वो वाणी के भाई का हस्बैंड नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पर होगा दीपक। तो राजेश इज फादर ऑफ रमेश, राजेश यहाँ पे राजेश आ जाएगा, राजेश जो कि मेल है फादर ऑफ रमेश हु इज ओनली ब्रदर ऑफ दीपक, मतलब कि दीपक का और कोई भाई नहीं है क्योंकि वो उसका ओनली ब्रदर है। तो हाउ इज सरोज रिलेटेड टू दीपक। अब सरोज दीपक से कैसे रिलेटेड है? सरोज जो है वो दीपक की मम्मी है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि सरोज दीपक की मम्मी है। दीपक का जेंडर पता हो ना हो, हमें ये तो पता है कि सरोज दीपक की मम्मी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ। अब देखिए व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल्ड, मतलब अनुज जो है वो मेल है, और ही इज जो है मतलब मनीष भी मेल है, यानी दोनों का मेल हो चुका है, हमने इस सेंटेंस से पता चल गया। ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। अब देखिए अनुज जो कि मेल है, उसकी डॉटर की मदर हो गई अनुज की वाइफ, ये हो गई अनुज की
वाइफ हो गई तो ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर, मतलब कि फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर मतलब अनुज की, अनुज के पापा हो गए, अनुज के फादर, तो यानी कि अनुज के फादर इन लॉ, अनुज के फादर इन लॉ हो गए। अब उसका सन क्योंकि अनुज की वाइफ तो उसकी डॉटर होगी, तो मतलब हु इज मनीष टू अनुज, मनीष जो है, अब ये सन जो है वही है मनीष, क्योंकि बोल दिया है कि ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर, मतलब डॉटर, डॉटर की मम्मी हुई अनुज की वाइफ, उसके फादर हुए अनुज के फादर इन लॉ, उसका सन जो है वो है मनीष, मतलब कि मनीष जो है वो अनुज के वाइफ का भाई है, मतलब उसका ब्रदर इन लॉ है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर इन लॉ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर भी जो है हमें एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके जरिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया है? सीता, रजिंदर एंड सुरिंदर आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल। तो हमारे पास मिस्टर अग्रवाल में मिस्टर ए और मिसेस अग्रवाल है, उन दोनों के तीन बच्चे हैं, एक है सीता, दूसरे है रजिंदर और तीसरा सुरिंदर। अब क्योंकि चिल्ड्रन दिया है तो मैं इनका जेंडर नहीं कर रही हूँ, बस मिस्टर एंड मिसेस है, तो इसको मेल दे दिया, इसको फीमेल दे दिया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में, रेनू, राजा एंड सुनील आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा। तो नेक्स्ट क्या है? वो है कि मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा, मैं इनको मिस्टर मिसेस एम से कर रही हूँ, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, और इनके तीन बच्चे हैं रेनू, राजा और सुनील। अब यहाँ पर भी हमें जेंडर नहीं बोला गया है, तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे, रेनू, राजा और तीसरा है सुनील, ये हो गए सुनील। एंड सीता आर मैरिड कपल, यानी कि यहाँ पे जो सुनील है और ये सीता जो है आर मैरिड कपल, एंड अशोक एंड संजय आर देयर चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ से सीता को अगर हम यहाँ पे ले आते हो सीता, तो ये दोनों हो गए मैरिड कपल और इनके बच्चे हैं अशोक एंड संजय, अशोक एंड संजय। अब गीता एंड राकेश आर चिल्ड्रेन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, और गीता इज मैरिड टू सुरिंदर। तो गीता इज मैरिड टू सुरिंदर, मतलब सुरिंदर के साथ यहाँ पे आएंगे गीता, मुझे इनका जेंडर नहीं पता है, और गीता और राकेश, मतलब गीता और, इसे मैं जरा सा साइड स्क्रॉल डाउन करती हूँ, गीता और ऐसे करके राकेश, ये राकेश है, ये दोनों जो है वो है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के बच्चे हैं, यानी कि मिस्टर और मिसेस गुप्ता के बच्चे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि गीता इज मैरिड टू सुरिंदर एंड हैज थ्री चिल्ड्रेन, रितु, सोनू एंड राजू। तो गीता और सुरिंदर के भी तीन बच्चे हैं, रितु, सोनू और राजू, ये तीन सुरिंदर और गीता के बच्चे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ इज रजिंदर रिलेटेड टू अशोक। तो रजिंदर यहाँ हुआ और अशोक यहाँ पर है, तो आप देखिए रजिंदर फादर इन लॉ तो नहीं है अशोक के, क्योंकि अशोक के
वन ऑफ द पेरेंट, अशोक की एक पेरेंट है सीता और सीता का एक सिबलिंग है रजेंद्र, यानी कि या तो अगर हम जेंडर ना भी पकड़े तो आइदर ये अंकल या आंट होगी। तो देखिए इन जो चारों ऑप्शन है उसमें बस एक ही ऑप्शन में अंकल है जो कि है मैटरनल अंकल, तो मतलब कि रजेंद्र जो है वो अशोक का मैटरनल अंकल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मेल है और सीता फीमेल है। मैंने अब जाके जेंडर इसलिए किया क्योंकि इसके पहले तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ था, जबकि नाम देख के जेंडर ऑलमोस्ट सर्टेन हो रहा है, पर फिर भी मैंने जब तक जेंडर नहीं बताया मैंने तब तक जेंडर फिक्स नहीं किया था, लेकिन अब जो है इससे हमें जेंडर पता चल जाता है इस क्वेश्चन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज संजय सरनेम, संजय का सरनेम क्या है? अब देखिए सीता जो है वो हो गई फीमेल, मतलब कि संजय का जो सरनेम है वो सुनील के वजह से आएगा, और सुनील जो है वो मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा का बेटा है, मतलब सुनील का सरनेम जो है, अब देखिए सीता फीमेल है तो सुनील मेल होगा, मतलब सुनील अपने पेरेंट का सरनेम कैरी करेगा, मतलब सुनील मल्होत्रा होगा, और संजय क्योंकि सुनील का चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड इसलिए क्योंकि मुझे संजय का भी जेंडर नहीं पता, क्योंकि संजय सुनील का चाइल्ड है, मतलब संजय भी जो है उसका भी मल्होत्रा ही टाइटल होगा, मतलब संजय का जो सरनेम है वो है मल्होत्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु इज संजेस, अब रेणु यहाँ पे है और संजय यहाँ पे है, मतलब रेणु जो है वो उसके पापा की या तो भाई है या फिर बहन है, यानी कि या तो वो आंटी है या अंकल है। अब यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ आंटी दिया हुआ है, मतलब यही करेक्ट आंसर है, मतलब रेणु जो है वो संजय की आंट है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि देयर आर सिक्स पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमारे पास छः पर्सन है ए टू एफ, और सी इज सिस्टर ऑफ एफ, यानी कि यहाँ से सी का जेंडर पता चल गया कि सी इज अ फीमेल जो कि है सिस्टर ऑफ एफ, लेकिन हमें एफ का जेंडर नहीं पता। बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, जो नेक्स्ट है वो है बी इज ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड, यानी कि ई एक फीमेल है, उसका हस्बैंड जो भी है उसका भाई है बी, बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, तो ये पता चल गया। डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो डी ए का जो है वो फादर है और ग्रैंडफादर ऑफ एफ है, लेकिन हमें नहीं पता कि डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, लेकिन हमें नहीं पता एफ जो है वो ए का चाइल्ड है या नहीं। अब देयर आर टू फादर्स, और बोला है कि देयर आर टू फादर्स थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर इन अ ग्रुप, तो देयर आर टू फादर्स थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर। अब देखिए दो फादर है तीन भाई है, तो एक भाई तो हो गया ये बी, एक भाई हो गया। अब बी का, अब क्योंकि ई का हस्बैंड बी का भाई है तो ये हो गया दूसरा भाई, मतलब कि एक भाई जो है वो रिमेनिंग है, हमारे पास एक भाई रिमेनिंग है और क्या रिमेनिंग है, दो फादर, दो फादर और एक मदर जो है वो रिमेनिंग है। अब सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि एजम्पशन राइट है या नहीं, मतलब ये सारे जो है वो कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, तो अगर सपोज मैंने लिख दिया कि इन दोनों का फादर है डी, अब ये एजम्पशन में चल रहा है, यानी कि ये वाला जो मैं पार्ट लिख रही हूँ वो गलत हो भी सकता है और हम चेक कर रहे हैं कि वो गलत है या नहीं। तो अगर सपोज लिख दिया डी इज फादर ऑफ ए, तो डी इज फादर ऑफ यहाँ पे ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, और सपोज ए और एफ की एक बच्चा है एफ, तो फिर एफ की एक बहन आ गई सी, और क्योंकि
तीन ब्रदर्स है तो यहाँ से एफ बी हो गया मेल. तो यहाँ से हमें मिल गया टू फादर्स, एक फादर है डी और दूसरा फादर है ए, और थ्री ब्रदर्स, एक ब्रदर है बी, दूसरा ब्रदर है ए और तीसरा ब्रदर हो गया एफ, और एक ही सिंगल मदर जो कि हमारी ई है. यानी कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, अगर मैं बाकी चीज़ों को डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझने में आसानी हो, तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो है सारे जो है वो पूरा जो सेंटेंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द मदर. अब यहाँ से देखिए, हमने मदर को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया था, ई इज़ द ओनली मदर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी. अब हु इज हीज हस्बैंड, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ए है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. अब हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ ग्रुप. अब देखिए यहाँ पे कितने मेल है, एक पहला है डी मेल है, बी मेल है, ए मेल है, एफ मेल है, यानी कि चार मेल्स है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर मेल मेंबर्स है. और हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई. हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई. एफ जो है वो ई का बेटा है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ब्रदर्स. तो मैंने ब्रदर्स को जो है सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, तो जो जो से सर्कल है वही लिख देना है, वो है बी ए और एफ, बी ए और एफ, ए बी एफ, जो कि है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए. यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो जहाँ कि हम यहाँ जैसे कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एजम्पशन लिया है कि डी, यहाँ पे जो डी फादर है ये हमने अज्यूम किया था, पर ये हमने तभी कंफर्म किया जब हमने देखा कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. हमने जो अज्यूम किया था कि सपोज मान लेते हैं कि ए जो है वो बी का भाई है, तो इस तरह से, तो ये क्योंकि ये वाला जो अजम्पशन है वो सारे हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने इस अजम्पशन को सही मान लिया और फिर हमने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. पर हम ये, अगर ये जो अजम्पशन हमने किया था, अगर वो एक भी सेंटेंस को, एक भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको, वो स्टेटमेंट इस अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देती, तो हम कहते कि ये अजम्पशन रॉन्ग है. तो कभी कभार जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि या तो डी यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और उस तरह से भी हम करते हैं कि मतलब कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि या तो डी जो है, या तो ए जो है वो बी का ब्रदर होगा या नहीं होगा. तो चलो बी का ब्रदर मान के देखते हैं कि बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. अब इस सिचुएशन में वो कर रही थी, तो हमने मान लिया कि यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सही है. अगर कोई एक भी कंडीशन है जो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो बी का भाई नहीं है. तो इस तरह से भी कभी कभार हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे दो हमने अज्यूम किया था, पर हमने इस अजम्पशन को करेक्ट तभी माना जब वो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास बनकर आई वो हमारे क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, तभी हमने इस अजम्पशन को करेक्ट माना. तो बस या इस वीडियो के लिए बस इतना ही. हमने काफ़ी सारे ब्लड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया, और हमने ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखा, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.